मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सुशासन, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजिलेंस को 2 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त देव भूमि का संकल्प लिया है। 2025 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभागों को विजिलेंस के साथ समन्वय से कार्य करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1064 ऐप के माध्यम से अब तक 5000 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं, जो कि शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं हैं। उन्हें सीएम हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के भाव से कार्य कर रही है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, निदेशक सतर्कता अमित सिन्हा समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। अभियान है और केवल अभियान नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जिस प्रकार से अभी आज से कुछ 3 दिन पहले हम लोगों ने सचिवालय में एक बैठक करी थी, जिसमें विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण थे और वो हमारी बैठक थी नशा मुक्ति को लेकर। नशा मुक्ति को लेकर हमने बैठक करी और उसमें हम लोगों ने कुछ आगे के लिए कार्य योजना बनाई। उस कार्य योजना में हमने तय किया कि हम 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाएंगे।